अगर आपको प्लांट्स उगाना है लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कौन सा प्लांट उगाएं और कैसे आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं प्लांट्स को, और ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आप प्रोपोगेट कर सकते हैं और वो इजीली हेल्दी प्लांट एक मैच्योर पौधे में कन्वर्ट हो सकता है, और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो आपको ज़्यादा केयर भी ना करना पड़े और एक अच्छे रिजल्ट देखे दे, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हेलो गार्डनर्स, मेरा नाम सिद्धार्थ एंड वेलकम टू थ्री प्लांट्स। तो आज मैं आपको ऐसे तीन प्लांट्स बताने वाला हूँ जो आप इजीली प्रोपोगेट भी कर सकते हैं और उनको केयर भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा एक ऐसा पौधा जो इजी टू प्रोपोगेट भी है, उसमें केयर भी कम है और एक एयर प्योरीफायर भी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो फर्स्ट पौधा है हमारे लिस्ट में अजवाइन का। तो ये अजवाइन का पौधा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी लीव्स में ये ऊपर थोड़े रेशे टाइप होते हैं और इसकी मतलब काफ़ी एक अलग से स्मेल होती है। अब अगर आप इसको ऐसे छुएंगे तो आपके उंगलियों में भी रह जाएगी स्मेल। तो अजवाइन का पौधा एक काफ़ी हर्बल प्लांट और एक मेडिसिनल प्लांट भी है और काफ़ी इजी टू प्रोपोगेट भी है। मेडिसिनल प्लांट इसलिए है क्योंकि ये कोल्ड कफ में काम आता है, इनकी लीव्स को खाया जाता है और इनकी लीव्स को वैसे आप पकौड़े बना के भी खा सकते हैं अगर आप चाहें। इसको प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं तो ये पानी में प्रोपोगेट नहीं होता है, इसको आपको मिट्टी में ही प्रोपोगेट करना होता है सिंपली। तो आपको एक बड़े पौधे से, ये तो एक्चुअली छोटा पौधा है, कोई बड़ा मैच्योर पौधा होता है उससे आपको स्टेम तोड़नी होती है कुछ 3-4 inches की, और 3-4 inches की वो आपको स्टेम तोड़ने के बाद आपको मिट्टी में डाल देनी होती है और उसको आप वाटर देते रहिए क्योंकि इसमें वाटर की कम ज़रूरत है, तो इजी टू हैंडल भी है और आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। इसको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इसको धूप में रखना है या फिर ये इंडोर्स में ही बना है, आप इसको इंडोर्स भी रख सकते हैं, आउटडोर्स भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, इजी टू हैंडल है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं इसके साथ। सिंपली आपको उसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, ज़्यादा पानी से क्या है इसकी रूट क्रॉटिंग हो जाती है और इसकी रूट्स मर जाती है, तो आपको पानी देने का थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब आप एक बार हफ्ते में पानी दे दीजिए और बस आपके लिए काफ़ी है। तो काफ़ी एक ईजी टू केयर पौधा था ये। सो नेक्स्ट प्लांट है हमारे लिस्ट में ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। ये है वो पौधा ड्रेसिना रिफ्लेक्सा, इसको काफ़ी इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से भी पहचाना जाता है कॉमनली। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज अवेलेबल है मार्केट में, तो उसकी ये वाली वैरायटी है जिसको सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसमें एक ग्रीन पोर्शन अंदर होता है और येलो पोर्शन आउटसाइड होता है, काफ़ी एक अच्छा लुक देता है घर में। और इंडोर प्लांट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली, कहीं पर भी आप टेबल डेस्क पर भी रख सकते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा लुक देता है। तो इसको प्रोपोगेट करना की बात करें तो इसको प्रोपोगेट करना भी काफ़ी ईजी है। सिंपली आपको एक मैच्योर पौधा चाहिए, एक बड़ा हेल्दी पौधा चाहिए जिसको आपको ऊपर का स्टेम कट करना होगा। स्टेम कट करने के बाद आप इसको वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और इसको आप सॉइल में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर सॉइल में प्रोपोगेट कर रखा है, एक वाटर वाला भी है मेरे पास, तो दोनों में ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। वाटर में थोड़ा धीरे प्रोपोगेशन होता है इसका एज़ कम्पेयर टू सॉइल। सॉइल में कुछ ही एक दो हफ्तों में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है, लेकिन इसकी जो रूट्स डेवलप होने में वाटर में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है नहीं। तो ये काफ़ी लेस केयरिंग प्लांट है, आप इसको बस वाटरिंग का ध्यान देते रहिए, 2-3 दिनों में इसको वाटर देते रहिए, तो काफ़ी एक अच्छा रिजल्ट आपको लेके देगा ये। तो हमारे लिस्ट में नेक्स्ट पौधा है मनी प्लांट, जिसको कॉमनली पोथोस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं और इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसको सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, दोनों में ही काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है और काफ़ी इजी टू केयर है। इसमें ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती है आपको, सिंपली इसको ग्रो करने के लिए आपको इसका जो नोड एरिया है, कहीं से भी आपको एक नोड एरिया लेना है लीफ का और उसको आपको कट कर देना है और उसको आप पानी में डाल दीजिए, तो पानी में उसकी रूट्स ग्रो हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे इस वाले प्लांट में ग्रो हो चुकी है, और वहाँ पे आप अगर सॉइल में ही ग्रो करते हैं तो सॉइल में भी ग्रो हो जाएगी। और उसको आप इंडोर्स भी रख सकते हैं, आउटडोर्स भी रख सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको धूप में नहीं रखना है, धूप में इसकी पत्तियाँ जल जाती है, तो बस इसी बात का ध्यान रखना है। बाकी इंडोर प्लांट में भी काफ़ी यूज़ होता है, एलिगेंट लुकिंग इसके है और बुशी तो बहुत हो जाता है अगर आप इसको अच्छे से ग्रो करें तो। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोनों ही अच्छे से ग्रो हो चुके हैं यहाँ पे, तो इसको बस आपको नोड एरिया से काट के रखना होता है आपको वाटर में, या फिर आप इसको डायरेक्टली सॉइल में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब बारी है हमारे बोनस प्लांट की। जो बोनस प्लांट है वो इजी टू प्रोपोगेट तो है ही है
और उसमें केयर भी लेस चाहिए, उसके साथ साथ एक एयर प्योरीफायर भी है, तो वो पौधा है हमारा स्नेक प्लांट। यस गाइस, स्नेक प्लांट ही है वो पौधा जो काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है और एक एयर प्योरीफायर भी की तरह काम भी करता है। नासा की एक रिपोर्ट से पता चला है कि ये स्नेक प्लांट और कुछ ऐसे 15 और पौधे हैं जो एयर प्योरीफायर काफ़ी हद तक अपने आसपास की एयर को प्योरीफाई कर लेते हैं। जो हार्मफुल गैसेस होती है एयर में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और काफ़ी अपने आसपास का एरिया प्योरीफाई कर लेता है। और ये काफ़ी इजीली प्रोपोगेट हो जाता है क्योंकि एक डेजर्ट टाइप पौधा है, तो इसमें पानी भी कम चाहिए और जो केयर है वो भी बहुत कम चाहिए। तो एक ईजिली प्रोपोगेटिंग प्लांट है। आपको अगर इसको प्रोपोगेट करना है तो सिंपली आपकी जो ये पत्ती है, पत्ती को आप ले लीजिए, काफ़ी स्टिप पत्ती होती है, तो आप पत्ती को कट करके आप सॉइल में डाल सकते हैं या फिर पानी में, दोनों में ही प्रोपोगेट हो जाती है। पानी में टाइम लगता है प्रोपोगेट होने में और सॉइल में थोड़ी फास्ट हो जाती है, कुछ ही मतलब 2-3 हफ्तों में उसकी रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएगी और आपके कुछ ही महीनों में जो प्लांट है वो पूरे अच्छे से ग्रो हो जाएगा। ये काफ़ी स्टिफ पौधा है, मतलब आप एक बार लगा लेंगे ना तो मतलब सालों साल चल ही जाएगा। और एक काफ़ी होम डेकोर प्लांट भी है क्योंकि इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छे से सस्टेन कर लेता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने गार्डनर भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये मेरा पहला वीडियो है तो बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम आने वाले टाइम में भी इसी टाइप के कुछ गार्डनिंग के रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे, कैसे आप इजीली पौधे उगा सकते हैं इस टाइप के वीडियोस। तो तब तक के लिए बाय बाय।